सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्री के इस एपिसोड की कहानी एक महिला सीरियल किलर के बारे में है। इस सीरियल किलर खातून का नाम है केडी कंपामा। इनका ताल्लुक हिंदुस्तान के कर्नाटका से था। सीरियल किलर केडी कंपामा को आम तौर पर मलके साइनाइड के नाम से जाना जाता है। ये नाम इनके तरीके वारदात की वजह से इनसे मंसूब किया गया है। साइनाइड मलिका दुनिया की आरामदा जिंदगी गुजारने और मुंबई जैसे शहरों की चकाचौंध पुरतायुस जिंदगी से बेहद मुतासिर थी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो भी इन अमीरों की तरह पुरसुकून महलात में एक शान और शौकत भरी जिंदगी गुजारे। पैदाइशी इतिबार से केडी कंपामा उर्फ मलके साइनाइड एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। इनकी शादी एक वर्किंग क्लास फैमिली में हुई। मलके साइनाइड का मियां इनकी ख्वाहिशात के बरअक्स एक निहायत ही कम कमाई वाला टेलर मास्टर था। मास्टर जी की कमाई बस इतनी ही थी कि इनका मुश्किल से चलता था। मलके साइनाइड जो कि पहले से ही एक पुरकशिश जिंदगी की मुतलाशी थी, इसने फैसला किया कि वो खुद ही दुनिया की आरामदा जिंदगी हासिल करेगी। अपनी इस दौलत की हवस को पूरी करने के लिए इन्होंने एक चिट फंड की स्कीम शुरू कर दी। यही इनकी जुर्म की दुनिया की तरफ पहली सीढ़ी साबित हुई। चिट फंड से वो कुछ कमा तो न सकी, मगर इनके कर्जे में इजाफा जरूर हुआ। चिट फंड में इस नुकसान की वजह से इनके पति ने इसे घर से निकाल दिया। पति से अलाहिदगी के बाद अपने नुकसान की भरपाई की खातिर मलके साइनाइड ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, मगर ये कमाई इनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत ही कम थी। इन्हीं दिनों में मलके साइनाइड ने जल्द अमीर बनने का एक अनोखा और शफाक तरीका सोचा। वो सबसे पहले शहर के मशहूर मंदिरों के चक्कर काटती रही। वो इन मंदिरों के चक्कर किसी पूजा पाठ की खातिर नहीं काटती थी, बल्कि इस बेहिश और लालची औरत ने यह फैसला कर रखा था कि वो इन सबको लूटेगी जो घर गृहस्थी से परेशान है। इनकी टारगेट थी सिर्फ और सिर्फ परेशान महिलाएं। वो इन मंदिरों से निहायत ही चालाकी से अपना टारगेट चुनती थी और एक मसीहा बनकर इनके सामने पेश होती थी। ये इन परेशान औरतों को यकीन दिलाती थी कि इनकी तमाम परेशानियों के हल इनके मुट्ठी में बंद है और इनका भरोसा इस हद तक जीतती थी कि ये इनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते थे। मलके साइनाइड का तरीके वारदात ये था कि पहले ये दुनियावी मसाइल का शिकार खवातीन को ढूंढती, फिर इनसे इनके मसाइल की तफसील पता करती और आखिर में इनको इंसानी हमदर्दी के वास्ते इन तमाम मसाइल से नजात दिलाने का वादा करती और इनको अपने परेशानियों से नजात पाने के लिए एक सुनसान जगह पर बुला लेती। इनसे ये तस्दीक कर कहती, अगर आप अपनी तमाम परेशानियों से नजात चाहते हैं तो सच संवर कर यानी जितने भी जेवरात आपके पास हैं पहन कर आना होगा। यूं ये शिकार खुद ही चलकर इनके बुलाए हुए मुकाम तक चले जाते थे और ये इनको प्रसाद के बहाने साइनाइड खिलाकर मार देती। इनके मरने के बाद इनके तमाम जेवर उतार लेती और किसी दूसरी परेशान महिला की शिकार में निकल पड़ती। इनकी ये जुर्म की कहानी 1999 से शुरू हुई और सन 2010 में खत्म हुई। इनको सन 2010 में कई महिलाओं के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।